नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। केबीसी सीजन 13 में जितने भी प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर सबमिट कर रहे हैं, प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सोनीलिव ऐप पे जो सवाल पूछा जाता है उसका जवाब अगर आप सबमिट कर रहे हैं, तो वैसे जो भी प्रतिभागी हैं उनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर केबीसी का सिलेक्शन जो है कब से होने वाला है, कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से, जो आपके मोबाइल पे कॉल आने वाला है वो कब तक आने वाला है, और साथ ही साथ ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस रजिस्ट्रेशन के दौरान कितने लोगों का सिलेक्शन होगा। तो ये हम पहले भी आपको वीडियो में बताए थे कि जितने भी लोग यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति का रजिस्ट्रेशन जो है 10 मई से आरंभ हो चुका है और 10 मई से लेकर 20 मई तक लगातार ये 10 दिनों तक चलने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे साफ हो जाता है कि प्रतिदिन एक सवाल पूछा जाता है, इसका मतलब प्रतिभागी को 10 सवाल का जवाब जो है वहां पे सबमिट करना होगा। और इस तरीके से हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि केबीसी में करोड़ों लोग जो है अपना यहां पे रजिस्ट्रेशन सबमिट कर रहे हैं, लेकिन उस करोड़ों में से सिर्फ और सिर्फ 40,000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। देखिए, हम आपको स्क्रीनशॉट एक दिखा रहे हैं, ये केबीसी के रूल और रेगुलेशन का जो है स्क्रीनशॉट यहां पे है, जहां पे स्पष्ट आप देख सकते हैं 40,000 जो है फर्स्ट राउंड स्पष्ट वहां पे लिखा हुआ है। और ये भी जो सिलेक्शन होता है रैंडमाइज सिलेक्शन होता है, यानी कि यहां पे काफी सारे ऐसे प्रतिभागी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है मेरा जवाब जो है गलत सबमिट हो गया है तो हमारा सिलेक्शन यहां पे नहीं होगा, या फिर हो सकता है एक दिन सवाल वहां पे छोड़ दिए होंगे तो उनको लग रहा होगा कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। या फिर कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जो ये भी सोच रहे होंगे कि पूरा का पूरा सवाल जो है हम सही जवाब दे रहे हैं तो हो सकता है मेरा यहां पे सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल केबीसी में नहीं है। केबीसी का जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमाइज सिलेक्शन होता है, यानी कि कंप्यूटरीकृत जो है वहां पे सिलेक्ट किया जाता है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि अगर आपका लक आपको साथ देता है तभी आप वहां पे सिलेक्ट हो पाएंगे। हो सकता है 10 में आपका 3 जवाब गलत भी होगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, और ऐसा भी यहां पे हो सकता है कि 10ों का 10ों सही जवाब देने वाले का भी सिलेक्शन नहीं किया जाए। इसलिए केबीसी का जो ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है सिर्फ और सिर्फ यहां पे लक के आधार पे होने वाला है। तो सबसे पहला जानकारी हम आपको बता दिए कि जितने लोग यहां पे करोड़ों लोग जो रजिस्ट्रेशन अपना सबमिट कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 का सिलेक्शन जो है फर्स्ट राउंड के लिए किया जाएगा, जिनके पास केबीसी की तरफ से आईवीआर कॉल आने वाला है। आईवीआर कॉल का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। काफी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके पास आईवीआर कॉल आया है, पिछले सीजन की बात करें या फिर उससे पहले के सीजन की बात करें, तो उनके पास ये जानकारी है। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे प्रतिभागी होंगे जो पहली बार इस सीजन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि आईवीआर जो कॉल है वो केबीसी सिलेक्शन का पहला राउंड होता है, यानी कि जैसे ही प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट करते हैं उसके बाद रैंडमाइज जो 40,000 लोगों को चुना जाता है उन्हीं के पास जो है केबीसी की टीम जो है कॉल करती है। अब वो कॉल कब से कब तक आने वाला है, तो 16 मई से लेकर 21 मई तक केबीसी की तरफ से आईवीआर कॉल आने वाला है। इसका मतलब आप समझ जाइए कि केबीसी में जो भी यहाँ पे प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर रहे हैं 20 मई तक चलने वाला है, लेकिन 16 मई से लेकर 21 मई तक जिनका भी सिलेक्शन होगा 40,000 वो जो भी प्रतिभागी होंगे उनके पास 16 मई से लेकर 21 मई तक जो है आईवीआर कॉल आ जाएगा। ध्यान रखिए, आईवीआर जो कॉल आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, यानी कि जिस मोबाइल से सुनिलिव ऐप पर आप सबमिट किए हुए हैं या फिर जिस मोबाइल के जरिए आप एसएमएस से अपना जवाब देते हैं उसी मोबाइल पर जो है केबीसी की तरफ से कॉल किया जाएगा। लेकिन आप पहले समझ जाइए कि आईवीआर कॉल का मतलब ही होता है कि वो कंप्यूटराइज्ड कॉल आपके पास आएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा, वहां पे कंप्यूटरीकृत माध्यम से जो है आपको वहां पे अपना सिर्फ ऑप्शन सेलेक्ट होना होता है। इसलिए वो जो प्रक्रिया होता है लगभग 10 मिनट का प्रक्रिया चलता है, यानी कि जब केबीसी का आईवीआर कॉल आएगा तो आईवीआर कॉल जो है टोटल प्रक्रिया आपको वहां में सबमिट करने में लगभग 10 मिनट का समय जाता है, और उसी अंतराल में 3 सवाल भी जो है प्रतिभागी से पूछा जाता है। वो सवाल भी जो है कंप्यूटरीकृत होता है, यानी कि सिर्फ वहां सिस्टम के द्वारा आपसे सवाल पूछा जाएगा और वहाँ पे उस सवाल का आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा। हो सकता है कई बार प्रतिभागी से 2 ऑप्शन दिया जाता है या फिर कुछ प्रतिभागी को 4 ऑप्शन दिया जाता है। अब जो भी 3 सवाल आपसे पूछा जाएगा उसी समय आपको उसका जवाब जो है सबमिट करना होगा। ध्यान रखिए, अगर आप समय रहते वहाँ पर सबमिट नहीं कर पाते हैं और अगर कॉल वहाँ पर डिस्कनेक्ट होता है तो फिर आपका नाम वहीं से जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको कोई भी वहाँ पर गड़बड़ी नहीं करना है। केबीसी का आईवीआर कॉल जब भी आपके मोबाइल पर आता है तो सावधानीपूर्वक आपको अपना वहाँ पर जवाब जो है सबमिट
करना है। सवाल को पहले ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि वहाँ जल्दीबाजी में आपको गलत जवाब नहीं सबमिट करना है। अगर एक बार कोई सवाल वहाँ पर पूछा जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो दूसरा बार भी वहाँ पर पूछा जाता है। दो बार सिर्फ सवाल को पूछा जाता है, अगर दो बार में भी आप सबमिट नहीं करते हैं तो कॉल ऑटोमेटिक जो है वहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए हो सकता है पहली बार अगर सवाल आपको समझ में नहीं आए तो दूसरा बार सुनने के लिए वहाँ पर ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस तरीके से सावधानी पूर्वक होकर IVR में जो है वहाँ पर अपना ऑप्शन सबमिट कीजिएगा। वहाँ पे जो भी सिस्टम होता है IVR कॉल का बिल्कुल इजी होता है। अगर आप लापरवाही नहीं बरतते हैं तो सावधानी पूर्वक अगर आप वहाँ पे जवाब देंगे तो बिल्कुल आसानी से IVR कॉल अपना सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद भी आगे जो है आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। तो पहला जो प्रक्रिया है, जो KBC जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अपना सबमिट कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 40,000 प्रतिभागी का ही सिलेक्शन जो है पहले राउंड के लिए किया जाएगा, जो कि IVR कॉल आपके पास आने वाला है। और IVR कॉल हम आपको पहले ही बता दिए कि 16 मई से लेकर 21 मई तक आने वाला है। तो उस बीच आप जो मोबाइल अपना वहां पे सोनी ऐप पे सबमिट किए हैं, आपको करना क्या है कि आपको अपने नंबर को फ्री मोड पे रखना है। फ्री मोड का मतलब क्या हो जाता है कि आप कोशिश कीजिएगा आपके जितने भी संपर्क के लोग हैं जो उस नंबर पे फ़ोन करते हैं, आप उनको पहले से अलर्ट कर दीजिए कि आप उस पे फ़ोन ना करें। इसलिए हम ऐसा आपको बता रहे हैं कि हम पहले भी आपको बताए हैं कि KBC की तरफ से किसी भी चुने गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ 3 बार कॉल किया जाता है। 3 बार में अगर आपका नंबर व्यस्त रहा या फिर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर रहा या फिर अगर आपका नंबर बंद रहता है तो फिर आपका नाम वहीं से डिस्कनेक्ट कर लिया जाता है। तो अगर आप अपने नंबर को बिल्कुल फ्री मोड में रखेंगे तो KBC की तरफ से कॉल किया जाएगा तो एक ही बार में जो है आपसे संपर्क हो पाएगा, और इस तरीके से आगे का जो स्टेप होता है वो आप वहां से पहला स्टेप पड़ाव जो है पार करेंगे। तो जितने भी प्रतिभागी जो KBC सीजन 13 में अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कर रहे हैं वो 16 मई से लेकर जो है 21 मई तक के लिए जो है आप तैयार हो जाइए कि 16 मई से लेकर 21 मई के बीच जो है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके पास KBC का IVR कॉल आ जाएगा। एक और जानकारी साथ में हम आपको चलते चलते यहाँ पे ये भी आपको देते जाएं कि कुछ ऐसे भी प्रतिभागी हैं जिनके तरफ से मैसेज आया है, यानी कि कमेंट पोस्ट किया गया है कि पहले दिन ही जो वो सवाल पूछा गया था उसका जवाब वो गलत सबमिट कर दिए हैं, या फिर पहले दिन की बात छोड़ भी दे तो अभी तक जो भी रजिस्ट्रेशन के दौरान सवाल पूछा गया है उसमें कुछ सवाल का वो जो जवाब है वो गलत सबमिट कर दिए हैं। तो यहाँ तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए इसके आगे जो भी सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब जो है सही आप सबमिट करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो जल्दीबाजी में अपना जवाब वहां पे सबमिट करने के कारण जो है जानते हुए भी उस सवाल का गलत जवाब सबमिट करते हैं। इसलिए सबसे पहले देखिए, यहां पे आपको वहां पे जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटा का आपको समय मिलता है। 24 घंटा में अगर हर समय को छोड़ भी देते हैं, सिर्फ हम 5 मिनट ही पकड़ के चलते हैं, तो 5 मिनट भी काफ़ी होता है किसी भी सवाल को सोचने और समझने के लिए। तो अगर 5 मिनट के अंदर भी जवाब आप सबमिट कर रहे हैं तो भी आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी है जो सोचते हैं कि जितना जवाब हम वहां पे जो जवाब देंगे लेट से उतना ही मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हम आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल का जवाब देने के लिए 24 घंटा इसलिए निर्धारित किया गया है। इसलिए सवाल को आप अच्छे से पढ़िए और वहां पे उसके बाद जो है उसका जवाब सबमिट कर दीजिए। अभी तक अगर आपका जो भी सवाल का जवाब वहां पे गलत हुआ है तो इसके आगे जो भी सवाल पूछा जाएगा 20 मई तक जो बचा हुआ सवाल है, कोशिश कीजिए उसका सही जवाब वहां पे सबमिट करने का। और इस तरीके से अगर सही आप सबमिट करते हैं 10 में 7 भी आपका सही हो जाता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और दूसरी जानकारी हम आपको यह भी दे दें कि कौन बनेगा करोड़पति का, जो भी तैयारी प्रतिभागी कर रहे हैं तो अपने स्तर से कहीं ना कहीं से जीके का तैयारी करते ही करते हैं, लेकिन इसी चैनल पे भव्याश्री न्यूज पे ही जो है प्रतिदिन जीके का एक एपिसोड यहां पे अपलोड किया जाता है। अगर आप जीके देखना चाहते हैं, सामान्य ज्ञान की तैयारी आप करना चाहते हैं तो भव्याश्री न्यूज पे जाकर आप जीके का एपिसोड भी वहां पे आप देख सकते हैं।